आया हूँ तो उधर पूर्वांचल में तो कांग्रेस की और भी खराब स्थिति है। नहीं है, वहाँ से भी हम लोग आए हैं, वहाँ से काफी संख्या में आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मोदी मीडिया द्वारा दुष्प्रचारित किया जाता है कि वहाँ और हालत खराब है। अरे भाई, जब चुनाव होते हैं, चुनावी किसी भी राजनीतिक दल का आकलन तो चुनाव में उसके प्रदर्शन के आधार पर ही होता है। मैं ये कहता हूँ कि आप ठीक है, यहाँ पर आए, कांग्रेस आई, एक राहुल गांधी एक कोशिश कर रहे हैं, बात ऐसा नहीं है कि चुनावी, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि चुनाव में हार की वजह से सियासी दलों के नेता परचून की दुकान तो खोल नहीं लेंगे, वो अपनी विचारधारा अपनी बात कहने के लिए जनता के सामने जाएंगे। और राहुल गांधी आए हैं, भीड़ है, मैं कह रहा हूँ भीड़ के लिहाज से सफल है, लेकिन चुनाव के लिहाज से सफल होगी कांग्रेस, ये तो कई करोड़ का सवाल है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आने अब सारे लोग मन मना चुके हैं, क्योंकि मोदी द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है मीडिया पे, नवरत के बाजार में मोहम्मद की दुकान खुलेगी, आज जनता जवाब देगी, एजेंसी लोग जनता जवाब देगी, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो पहली बार ऐसा नेता जो रोड पे पैदल चल के आ रहे हैं, और लोनी वालों का भी भाग्य है कि लोनी में को राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत नवरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में 10 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हमने तय कर लिया है, और अब समय भी हो रहा है, कुछ गांव देहात के लोग इधर रुके हुए। कहाँ से आ रहे दादा? हमारे डिस्ट्रिक्ट आगरा से आगे जगन्नाथ तांतपुर तहसील आगरा। तो कोई लेके आया अपने से? आओ, अरे रामनाथ सिकरवार जी नेता। हाँ, तो इतना पैदल चले जा रहे हो? अरे अब जी तो जाना पड़ता है, जब पूरी रात गायों को बढ़ा देते हैं, खेतों को खाती हैं, जब परेशान होते हैं, अब हो लेंगे तो क्या है, कोई आपत चलने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कैसी दिक्कत है? और ऊर्जा बढ़ गई है जितना राहुल जी की। आज लोग कहते हैं कि भीड़ लाई जाती है, जी आई हुई भीड़ है, लाई हुई भीड़ नहीं है। आप कहाँ से आई? आगरा से। आगरा से भी 90 किलोमीटर दूर बाहर विधानसभा से। कांग्रेस में आप जी? तो कांग्रेस वाले ही तो खाली आए हैं। खाली आए हैं आप है। देखिए मैं बता दूंगी, सबसे ज्यादा शो आपका ही देखती हूँ, आपकी आपका टीवी पर, आप ही एक ऐसी हो जो आपका दिखाई, बाकी के गोदी छोड़िए ना, हमारा मेरी बात सुनो, बताइए ये खाली कांग्रेस के ही आए? नहीं, कांग्रेस के नहीं है, देखने वाले कि राहुल जी इस तरह से चल रहे हैं रोड पर, तो मेरा राहुल जो चल रहा है तो हम लोग ये देखिए, ये दादा की लेटने की उम्र है, ये बहुत दूर से आए, बहुत दूर से ये लोग स्वेच्छा से आए, दिल से राहुल जी को देखने के लिए कि हम ऊर्जा भर दें, भारत को जोड़ रहे हैं। तो आज वाकई में कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है लोगों की। नहीं, 5 साल में 32 साल तो हमारे यूपी को हो गई, यूपी में तो इतना बुरा हाल है कि हम सारे यूपी के ही हैं, सारे यूपी के हमारे ये रामनाथ सिकरवार जी हैं, ये इस तरीके से आज ये किसानों को लेके आए हैं, और बाकी में वो पार्टी से कोई मतलब नहीं। सिकरवार साहब, आप बुजुर्गों को आप ही ले आए? हाँ, हम ही ले। आप तो फौज के ड्रेस में? बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, और इस देश के अंदर जो गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब थी, जिसको कुछ लोग गंदा कर रहे हैं, उस गंदगी को साफ करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पवित्र गंगा जमुना सरस्वती को रखना चाहते हैं। और आज राहुल गांधी जी घर से निकले हैं, पूरे देश के अंदर आज महात्मा बोला जा रहा है गांधी जी को, और आज हम उस महात्मा की जंग में पूरा कांग्रेस, पूरा देश खड़ा हुआ है। अगर ऐसे महात्मा के लिए कुर्बानी भी देनी होगी, बीइंग ए सोल्जर, मैं लाइन का फर्स्ट आदमी होगा, और मेरे क्षेत्र की जनता। पंडित जी आप बताओ क्या? मैं दो शेर सुनाकर राहुल की बात कहता हूँ। पंडित जी कुछ? हाँ, पंडित जी वाले बताता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में इस्तकबाल करते हैं, और 2024 में राहुल जी का हम इंतजार करते हैं, और आगे नफरतों के बाजार में मोहब्बत का व्यापार करते हैं, और इस कड़ाके की ठंडी में राहुल जी गजब का कमाल करते हैं।